Assalamualaikum class 6, hope you will be fine. Students, here is your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about pronouns in detail. Now today we will start our lesson from exercise number F. Let's revise. लेट्स रिवाइज में स्टूडेंट हमारे पास वो तमाम टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं. लेट्स रिवाइज वाली एक्सरसाइज में उन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो हमने अपने चैप्टर में डिस्कस किए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस एंड राइट देयर नेम्स. हमने एप्रोप्रिएट फॉर्म्स यूज़ करनी है, सॉरी एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस यूज़ करने हैं अपने ब्लैंक्स में और उनके नाम भी बताने हैं हमने कि ये प्रोनाउन की किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं. नंबर वन देखिए जी, आई एम वेटिंग हेयर फॉर माई फ्रेंड. हु आर यू वेटिंग फॉर. नंबर फर्स्ट ब्लैंक में हु प्रोनाउन आ रहा है और ये पर्सनल है. नंबर टू देखिए, द गर्ल हुज मदर इज़ इल इज़ आस्किंग फॉर है. हुज और यहाँ पे हुज फंक्शन कर रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर थ्री, दिस इज़ माई पर्स. हुज इज़ डैट. हुज यहाँ पे इंट्रोगेटिव के सेंस में आया हुआ है. नंबर फोर, द बुक विच यू हैड लॉस्ट हैज़ बिन फाउंड बाई इरा. यहाँ पे विच यूज़ हो रहा है नंबर फोर ब्लैंक में, विच इज़ यूज एज एन रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर फाइव देखिए जी, दिस इज़ द लेटर फ्राम हिना विच अराइव्ड यस्टरडे, विच इज़ आल्सो यूज एज रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर सिक्स, इज़ इट योर डॉग. इज़ इट योर डॉग, प्लीज़ कीप इट इन डोर. इट यहाँ पे यूज़ हुआ है पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पे. द मैन होम यू आर टॉकिंग टू इज़ अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन. यहाँ पे होम यूज़ हुआ है, होम इज़ यूज एज पर्सनल प्रोनाउन. वी हैव टू सिलेक्ट फ्राम दीज थ्री कार्ड्स विच वन डू यू लाइक बेस्ट. विच यहाँ पे यूज़ हुआ है और विच इज़ यूज एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. चिल्ड्रन हूज एसेज आर स्टिल ड्यू शुड गिव दैम बाई द एंड of this week. Whose यहाँ पर यूज़ हुआ और whose as a relative pronoun के यूज़ हुआ. The handkerchief which the police had found belongs to the burglar. यहाँ पर which यूज़ हुआ और which relative pronoun के sense में है. The girl whom you met in the market is my cousin. Whom यूज़ हुआ word, तो whom as a relative pronoun के यूज़ हुआ. The book which you took from me is not mine. और यहाँ पर which यूज़ हो रहा है नंबर 12 वाली ब्लैंक में, तो ये which भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है. मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ. नंबर वन में हु पर्सनल, नंबर टू में हुज रिलेटिव, नंबर थ्री में हुज इंट्रोगेटिव और नंबर फोर में विच रिलेटिव, नंबर फाइव में भी विच रिलेटिव, नंबर सिक्स में इट पर्सनल, नंबर सेवन में हु पर्सनल, नंबर एट में विच इंट्रोगेटिव, नंबर नाइन में हुज रिलेटिव, नंबर टेन में विच रिलेटिव, नंबर इलेवन में हु रिलेटिव और नंबर टेन में ट्वेल्व में भी विच है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो. नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज नंबर जी है, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेस. यहाँ पे हमारे पास टू ऑप्शन दिए गए एक सेंटेंस के लिए, तो उसमें से हमने बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है और ब्लैंक में आप फिल कर लेंगे. यहाँ पे मैनेजर साहब के सामने टिक्स लगाएंगे तो आप इसको ब्लैंक में भी कंप्लीट कर लेंगे. It was a strange smell as if dash nothing something was burning. तो नंबर वन वाली ब्लैंक में आएगा हमारे पास समथिंग. नंबर टू देखिए जी, why didn't dash tell him that the class had started? Why didn't anyone और no one है, तो यहाँ पे हमारे पास suitable जो word है, suitable pronoun है जो वो anyone है. नेक्स्ट आगे देखिए जी, हमारे पास आ रहा है वर्ड सॉरी डैश समबडी नोबडी विल हैव टू गो एंड आस्क फॉर द टीचर्स परमिशन फॉर अ गेम पीरियड. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी सूटेबल जो बेस्ट ऑप्शन जो आ रहा है हमारे पास, सिर्फ प्रोनाउन मैंने कह दिए ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास मीन के सूटेबल वर्ड जो हमने यूज़ करना है. तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास आ रहा है जी इसका बेस्ट ऑप्शन समबडी विल हैव टू गो एंड आस्क फॉर द टीचर्स परमिशन फॉर अ गेम्स पीरियड. नेक्स्ट आगे हमारे पास नंबर फोर ऑप्शन है, इफ़ यू मेक अप योर माइंड डैश समथिंग नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो इसमें सूटेबल हमारे पास वर्ड आ रहा है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. नंबर फाइव, द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट सो डैश नो वन एनी बॉडी वॉज हैप्पी विद दिस स्कोर.
इसमें सूटेबल आ रहा है जी नो वन. नंबर सिक्स डिड नो वन समवन जस्ट नॉक एट द डोर, तो डिड समवन जस्ट नॉक एट द डोर. नंबर सेवन आई होप यू हैवंट टोल्ड एनीवन समवन अबाउट आवर सीक्रेट प्लान, यहाँ पे आएगा सूटेबल हमारे पास वर्ड आ रहा है जी एनीवन. नंबर एट देर इज डैश नथिंग समथिंग नॉट राइट विथ हिम टूडे, देर इज समथिंग नॉट राइट विथ हिम टूडे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर एच. इसमें देखेंगे आप द सेंटेंसेस बिलो हैव प्रोनाउन रिलेटेड एरर्स, रीराइट द सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द एरर्स. हमारे पास उन्होंने बोला जी जो सेंटेंस गिवन है इनमें एक एरर है जो कि प्रोनाउन रिलेटेड एरर है, तो इनको आपने रीराइट करना है. तो रीराइट करने के बजाय आप इनको बुक पे ही ठीक कर लेंगे. मैं आपको इसको रीराइट सेंटेंस बता देती हूँ कि आपने कौन सा चेंज करना है, तो आप इसको अपनी बुक्स पे ही दोबारा अगेन इसको कंप्लीट कर लेंगे. नंबर वन आप देखेंगे जी दी नंबर वन है जी वी हैवंट सीन सोबिया फॉर मैनी डेज, वी हर्ड डैट दे आर अनवेल. तो सोबिया हमारे पास सिंगलर आ रहा है, तो सोबिया के बारे में हमने नहीं सुना, तो हम ये कहेंगे कि वी हर्ड डैट दे वर की जगह हम लिखाएंगे शी इज़ अनवेल. वी हर्ड डैट दे वर को रिप्लेस कर देंगे किससे, शी इज़ अनवेल. नंबर टू सेंटेंस है हमारे पास द चिल्ड्रन वर इनकरेज्ड टू डू द प्रोजेक्ट आवर सेल्फ, आर सेल्फ नहीं आएगा, द चिल्ड्रन वर इनकरेज टू डू द प्रोजेक्ट देम सेल्फ, उन्हें खुद से प्रोजेक्ट करने से मतलब कि रोका गया या इनकरेज किया गया. नेक्स्ट आगे नंबर थ्री देखिए जी गुलनास एंड मी वांट टू सी अ फिल्म लास्ट सैटरडे, तो यहाँ पे आएगा गुलनास एंड आई, मी की जगह आप क्या लिखेंगे आई लिखेंगे. नंबर फोर फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द पजल हिमसेल्फ, इफ़ यू कैन नॉट देन आई विल गिव यू क्लूज. फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द पजल हिमसेल्फ नहीं आएगा योर सेल्फ, हिमसेल्फ को हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे योर सेल्फ. नंबर फाइव यू एंड हामिद कुड गो टू द थिएटर अर्ली एंड बाय टिकट्स फॉर ऑल ऑफ आवर सेल्फ नहीं आएगा फॉर ऑल ऑफ अस, आवर सेल्फ की जगह हम क्या लिखेंगे अस. नंबर सिक्स फादर्स कॉज इट माई सिस्टर एंड मी फॉर कमिंग बैक होम सो लेट, यहाँ पे हम माई सिस्टर एंड मी सेंटेंस आ रहा है वर्ड आ रहा है, तो हम यहाँ पे माई नहीं लगाएंगे. फादर्स कॉज इट सिस्टर एंड मी फॉर कमिंग होम सो लेट, माई हम नहीं यूज़ करें. नंबर सेवन आई लव माई लिटिल ब्रदर एंड नेवर गेट एंग्री विथ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे विथ हिम. देयर वर नंबर एट देयर वर नो पोर्टर्स टू हेल्प अस सो वी कैरी आवर लगेज इटसेल्फ, इटसेल्फ नहीं आएगा और सेल्फ आएगा, यहाँ पे सूटेबल वर्ड हमारे पास और सेल्फ. नंबर नाइन द पैन इज वेरी हॉट पिक देम अप वेरी केयरफुली, पिक देम नहीं आएगा पिक इट अप वेरी केयरफुली. नंबर टेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द जो कैन यू प्लीज टेल हिम वंस मोर, हिम नहीं आएगा यहाँ पे सूटेबल वर्ड है हमारे पास इट, कैन यू प्लीज टेल इट वंस मोर. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का हमारा चैप्टर नंबर सिक्स प्रोनाउंस वाला कंप्लीट हो गया. इसमें एक्सरसाइज नंबर एफ जी और एच को हमने आज डिस्कस किया, तो ये तीनों ही एक्सरसाइज आपने अपनी अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लेंगे और इसको टू और थ्री टाइम दोबारा रीडिंग करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और साथ साथ जो आपको मैं काम करवा रही हूँ इसको आप लोग लर्न भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.